अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं TNN, वेलकम टू जीना इसी का नाम है। मैं आपकी मेज़बान वरदा मलिक। आज की स्टोरी कुछ डिफरेंट है। दो दोस्तों में बहुत सारी चटपटी बातें होने वाली हैं, क्योंकि हमारी इस स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि पहले मैं इनका तारुफ करवा दूँ। ये हैं फलक भट्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। यस, एंड शी हैव सम क्वेश्चंस जो ये मुझसे जानना चाहते हैं आप सबके सामने, क्योंकि इनका मानना ये है कि मैं आप लोगों से इतने आपके लाइफ के बारे में सवालात करती हूँ, आपके बारे में जानती हूँ, तो इनका मानना भी ये है कि सबसे पहले जो आपकी होस्ट है उसे उसके बारे में जानना चाहिए। तो आज की मेज़बान मैं नहीं, फलक भट्ट हैं। थैंक यू सो मच वरदा। सबसे पहले कैसी हैं आप मुझे बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल लग भी रही हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी। इतनी भी नहीं। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी शुरुआत जो सोशल मीडिया पे, वो कैसे हुई, क्या सोच के आप आई उसमें? ऑनेस्टली फलक, मैंने कुछ नहीं सोचा था। बड़ी स्वीट और बड़ी फ़नी सी स्टोरी है। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने फ़ोन का आईक्लाउड का जो पासवर्ड है वो भूल गई थी, और उन दिनों लॉकडाउन का बड़ा मसला चल रहा था। तो मेरा कज़न है, वो हम लोगों ने जब अपने पासवर्ड को दुरुस्त किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोगों ने प्लान बनाया कि यार अब कोई ना चीज़ डाउनलोड करके देखते हैं होती है इजीली कि नहीं, और टिकटॉक सबसे पहले ये ऐप जो है वो आ रही थी। ओके, तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डाउनलोड किया है, उसको देखना शुरू किया है। मेरे ख्याल 1 से 1.5 महीने के बाद मैंने एक वीडियो लगाई थी। तब तक मुझे नहीं पता था कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, या ये आपकी लाइफ में इतना पॉजिटिविटी ला सकती है, या एक ये ऐसी चीज़ है आपके हाथ में जो आपको फेमस कर सकती है। तो तब तक के लिए तो मुझे नहीं पता था। वो एक वीडियो लगाई है, मेरे ख्याल वो एक वीडियो पे मुझे कोई 40-50 हज़ार जो हैं वो फैंस मिले थे, और वो वीडियो 1 मिलियन तक गई थी। मतलब आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी वायरल होने की, फेमस होने की? बिल्कुल भी नहीं। सो यू आर लकी। या आई एम। उसके बाद तकरीबन टिकटॉक को डाउनलोड करने के बाद 6-7 महीने तक मुझे नहीं पता था, ऐसे ही फजूल की। जब पुरानी वीडियोस तुम भी देखोगी ना मेरी, तो मैं देखती हूँ या अली भाई वगैरह सब देखते हैं, तो हम लोग हंसना शुरू कर देते हैं। मतलब यार हमें क्या बताऊँ। ऑब्वियसली वक्त के साथ इंसान चेंज होते हैं, स्टाइल चेंज होता है। देखे ना पहले कैसी दिखती थी, मैंने देखी है पुरानी वीडियोस और अब बहुत अच्छी दिखती है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फला। वेलकम। अच्छा वरदा, मुझे ये बताएं कि इतने साल आपने अपने ग्रुप के साथ वीडियोस बनाई, बट कपल वीडियोस नहीं बनाई थी? यार कपल वीडियोस में बनाती होती थी, उमेर के साथ बनाती थी, बट वो रैंडमली कोई शेयर्स के साथ वीडियो पसंद आ गई, कॉन्सेप्ट पसंद आ गया। बेसिकली आई एम अ कॉन्सेप्ट क्वीन ना, आई नो। तो शेयर्स वगैरह के साथ बनाई है, अली के साथ, अली जो मेरे भाई हैं एक टाइम पे, वो और मैं तीसरे नंबर पे कपल थे, बेस्ट कपल पाकिस्तान में। बाद में हमने बताया कि भाई हम बहन भाई हैं, तो इसीलिए ज़रूरत नहीं पड़ी अपने ही ग्रुप में, अपने ही प्यार करने वाले, अपने ही भाई इतने। लेकिन अभी आप बना रही हैं कंटिन्यूसली कपल विद सुमेर। कपल विद सुमेर, तो लोग जानना चाहेंगे कि इसकी क्या वजह है? यार मिल गया, पहले था नहीं तो मिल गया। मतलब आप मानती हैं कि अब आपका कपल बन चुका है और वही रहेगा? लेट्स सी, इंशाल्लाह। कोशिश करती रहनी चाहिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी और सुमेर भी। लोगों को पसंद आ रहा है, लोग प्यार दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, नाम बन रहा है। बिल्कुल। तो अगर तो अल्लाह ताला ने चाहा तो ये लाइफ टाइम के कपल होंगे, और अगर खुदा ना खास्ता कहीं ना कहीं नसीब नहीं मिला तो होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह जो करे बेहतर करे, बेहतर करे, सबके लिए बेहतरीन ही होता है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि पर्सनल लाइफ में आप कैसी हैं? झगड़ालू, बहुत सॉफ्ट? अच्छा ये वैसे जो ये मुझसे सवाल पूछ रही है ना, इनका जवाब भी इसी के पास है। तो ये सवाल मैं इनसे पूछती हूँ कि मैं पर्सनल लाइफ में कैसी हूँ? बहुत लड़ाकी है, वो अलग बात है, मेरे साथ नहीं लड़ती। हेलो, इस वक्त होस्ट मैं हूँ, सो आप मेरे सवालों का जवाब देंगी। मैं अगर बोलूंगी ना तो उन्हें लगेगा कि ये जो है ना वो सोच कर बोल रही है, तुम बोलोगी तो लोग मान भी जाएंगे। ये भी ठीक है। तो अपने ग्रुप के बारे में बताएं, उनके बिना दिल करता है वीडियो बनाने का आपका? बिल्कुल नहीं, मेरे लाइफ में, मेरे ग्रुप में आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अली मलिक की वजह से हूँ। जितनी मेहनत मैंने की है उतनी ही मेहनत मेरे भाई ने की है। वेरी नाइस। फिर ग्रुप बढ़ता गया, भाई बढ़ते गए, अब तो मेरे माथे पे भी बहन जी लिखा गया है। वो मैं अक्सर देखती हूँ जब हम साथ होते हैं, तो जिसको देखो वो इनको बहन बुला रहा है और ये उनको भाई। इतने भाई तो मैंने अभी तक किसी के नहीं देखे। सो और भी लोग जानना चाह रहे होंगे कि आपके आगे क्या, आप
फ्यूचर में कैसे खुद को देखना चाह रही हैं, एज एन एक्ट्रेस, एज अ टिकटॉकर, एज अ जो भी, जैसे होस्ट, एग्जैक्टली. तो अब क्या ज्यादा आपका इंटरेस्ट किस में है? ऑनेस्टली मैंने कुछ प्लान नहीं किया. आज तक जो भी हुआ है वो अल्लाह के ऊपर मैंने छोड़ा हुआ था, और स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते खोलते जा रहे हैं. तुम लोगों की, क्योंकि वह कहते हैं ना नसीबों से नसीब मिलते हैं, तो मेरे नसीब मेरे दोस्तों की वजह से, मेरे अपने ग्रुप की वजह से कहाँ लेकर जा रहे हैं वो मुझे खुद नहीं पता. तो मैं ज़्यादा सोच कर जो आज मेरे पास है मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती. तो जो आज है, जिसमें आप हो उसमें खुश रहो, ये बेस्ट है. कोई ऐसा फैन मोमेंट जो आपको बहुत अच्छे से याद हो, या कुछ क्रेजी सा लगे, कुछ भी ऐसा बताएं? यार फैंस तो माशाल्लाह उनकी क्या बात है, वो फॉलो करते हैं हम आपको, हम आपको लाइक भी करते हैं, आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ती जी, सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम. कोई क्रेजी फैन मिला? पिक्चर मतलब यूं खड़े और यूं अंधा हो जाए. अच्छा ओके ठीक है. एक वीडियो भी स्लोमो नहीं, वो यार पिक्चर होगी ना. ठीक है सही है ओके अल्लाह हाफिज. मतलब क्या आप फैंस लोग ऐसे बिहेव करते हैं जिनका करते हैं, बहुत सारे करते हैं, बहुत बड़ी बात, बहुत इरिटेट भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए फिर हमें काम करना पड़ता है. उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत हमें मजबूर कर देती है कि हम उन्हें अच्छे से अच्छा सिखाएं. अच्छा जितने आपके फैंस हैं वो आपको फॉलो करते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, तो वो ये जानना ज़रूरी समझते हैं कि आपकी नज़र में टिकटॉक पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा चलते हैं, कपल वीडियोज़ ज़्यादा चलती हैं, क्रिएटिविटी ज़्यादा चलती है, या अपना टैलेंट दिखाना सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जिससे आपकी वीडियोज़ चले? टैलेंट दिखाना, उसको दिखाने का तरीका, तरीका सबसे बड़ी बात. देखिए दो तरह के लोग हैं हमारी टिकटॉक कम्युनिटी में, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. एक जो ट्रेंड को क्रिएटिव बनाते हैं और दूसरा जो ट्रेंड को बर्बाद बनाते हैं. मैं बोल देती हूँ आपने अच्छे लफ्जों में बोल दिया, हम तो शायद कुछ और कह देते. इन्हीं से सीख रहे हैं, ये तो लफ्ज़ अलग बात है. दो तरह के लोग होते हैं, एक जो वाकई ट्रेंड को मजबूती से बनाते हैं और दूसरे को चैलेंज देते हैं कि आप इससे बेस्ट करके दिखाएं, और दूसरी तरह के जो लोग होते हैं वो बस मैं आपको क्या बताऊं कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे. वैसे भी कहते हैं तालाब में एक मछली जो ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है. एग्जैक्टली ठीक है. आज अगर टिकटॉक की कम्युनिटी, वैसे भी यूट्यूबर और टिकटॉकर का तो वैसे बहुत बड़ा फंडा चल रहा है, टिकटॉकर का मॉडल्स का बहुत चल रहा है, टिकटॉकर्स का एक्ट्रेस का बहुत चल रहा है, क्योंकि जब से हम आए हैं ना वो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं. तो बस क्या कर रही है ना गाइस, कहीं ना कहीं ये टॉन्ट एक मेरे लिए भी थी. बहू सासू माँ शो चल रहा है. अच्छा तो आप ये बताएं कि आपका फेवरेट कपल कौन सा है टिकटॉक पे? फेवरेट कपल, यस, और क्यों है? फेवरेट कपल हाशमी और फलक. पानी मिलेगा? बहुत क्यूट लगते हैं आप इसमें, यू नो. तो ओके ये सुन रहे हैं ना आप लोग, ऐसे कमेंट्स नहीं दोबारा करने, मैं डर के मारे कमेंट्स में नहीं जाती. सीरियसली बताना है सासू माँ वरदा मलिक, सीरियसली बताइएगा कि फेवरेट कपल कौन है जो अच्छा दिखता है साथ में. यार फेवरेट कपल तो अभी मैं फिर वरदा और सुमैर, उनका बहुत बड़ी फैन हूँ मैं. मतलब हा? क्या गुड लुकिंग है दोनों, क्या मतलब कमाल के लगते हैं. उनकी एक्टिंग और उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनका मेकअप, उनका स्टाइल, उफ अच्छा नहीं. ये तो हो गया अपने मुँह मियाँ मिठू बनना. ठीक है तो हम पूछे इसके अलावा आपको कौन सा कपल पसंद है, हम कुछ और नाम सुनना चाह रहे हैं आपके मुँह से, अगर आपके मुँह से निकल आए तो. यार इसके अलावा अरूज फातिमा और उमैर चौधरी. और क्यों पसंद है वो कपल? बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स, मैं बहुत टाइम से उन्हें जानती हूँ और दे आर वेरी गुड. और उमैर की सबसे अच्छी बात ये है सॉरी बहुत मेहनती बच्चा है वो, उसने बहुत मेहनत की है. तो यस ये दोनों अच्छे हैं. और कोई ऐसा जो आपको लग रहा है कि इसको ना बेहतर बनने की ज़रूरत है, टिकटॉक पे आके सबको ख़राब कर रहा है? बहुत सारे. सासू माँ की दुश्मनियाँ पढ़वाते हैं बहुत सारे. कोई एक नाम? कोई एक नाम क्या, बहुत सारे हैं. दो चार नाम ले लें. हो गए फिर उसके बाद वो लायला जट, आई गेस नायला जट, नायला जट वो हो गए.
फिर वो एक वो टकलू सा अंकल बड़े अजीब से गंदी सी बातें करता है, वो हो गया। फिर बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको जिनकी वजह से ना हम लोगों की बैंड बज गई है। अच्छा वरदा, आपको ऐसा नहीं लगता कि टिकटॉक पे जो जिन लोगों का आपने नाम लिया है उनकी हरकतों से उनके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, उनके लाइक्स ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ ज़्यादा चलती है टिकटॉक पे? क्या करें, अब लोगों को देखना भी तो है ना, लोगों को बुरा भला भी कहना और देखना भी ज़रूरी है, और जो मेहनत करते हैं उनको अवॉइड करते हैं आप लोग, तो कोई मैसेज भी दें इनको यार। आप देखो, आप हंसो, लेकिन हंसने वाली चीज़ पे हंसो, गंदी चीज़ों पे मत हंसो। इसमें लिख के आपको दे रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसमें कोई भी किसी भी किस्म की ना ताखीर होगी, जो हम टाइम देंगे। हम डिफेंस व्यू हाउसिंग स्कीम में मस्जिद दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, जदीद तरीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दे रहे हैं, कंक्रीट बाउंड्री वॉल दे रहे हैं, सिक्योरिटी कैमरे दे रहे हैं, जिम, चाइल्ड एक्सरसाइज पार्क, रोड साइंस, हॉस्पिटल, सेवरेज। और ये जो सेवरेज है जिसमें बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि महीने बाद, साल बाद, दो साल बाद ये खराब हो जाते हैं, ये जो यहाँ पे सीवरेज सिस्टम बिछाया है वो अगले 50-60 साल को मद्देनजर रख के बिछाया है, ताकि लोगों को किसी किस्म की आलूदगी या गंदगी का सामना न करना पड़े। दिल की यथार्थ गहराइयों से ममनून हूँ, मशकूर हूँ अपने बहुत ही प्यारे भाई ताहिर साहब का, ताहर साहब के हवाले से कि बेतहाशा इन्होंने कॉलोनीज बनाई, डिफरेंट शहरों में बनाई, साहिवाल में बनाई, मुझे किसी ने कोई शिकायत आके नहीं की कि जी के मेरी कोई कंप्लेंट है, आप हमारा ये फैसला करवा दें। गोजरा वालों को अर्ज कर रहा हूँ कि जी के आप ये चार दीवारी के ये अंदर बैठे हैं, ये आप महफूज बैठे हैं, और इधर जो एक घर बनाना हमारे साहिवाल में भी जो इन्होंने कॉलोनियाँ बनाई, आइडियल तरीन लोगों ने जहाँ घर बनाए, अपने बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल, वो मैं समझता हूँ कि जी के गोजरा वालों आपकी ये खुशकिस्मती है कि जी के ताहर साहब ने ये कॉलोनी बनाई है, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, और आप लोग इनके होते हुए इस कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाए, वो आप महफूज हाथों में है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जी के घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप अपने आप को महफूज हाथों में समझें, सेफ हैंड में समझें, इससे बेहतर ब्लेसिंग और किसी और कॉलोनी में, किसी और डेवलपर्स में नहीं हो सकती। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। पिछले 25 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है, हमारी सबसे अवलीन तरजीह में ये है कि हम अल्लाह के लिए काम करें, उसकी मखलूक के लिए काम करें, ताकि हमारे लिए आसानी और बेहतर पैदा हो। हमारी कंपनी के 2-3 असूलों में सबसे बड़ी बात सिर्फ एक ही है, किसी पार्टी के साथ, किसी क्लाइंट के साथ कोई मिसहैप हो जाता है, फ्रॉड हो या धोखा हो, हम उसकी टोटल पेमेंट वापस करने के लिए तैयार हैं। किस्तों में प्लॉट लिया हुआ है या कैश लिया हुआ है, इन केस अगर वो बेचना चाहता है या वापस करना चाहता है, तो कंपनी सबसे पहले खरीदार है। वजह ये है कि हम यहाँ कंफर्टेबल लेवल एक देते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, ये आपने देख लिया होगा।
अच्छा वर्दा ये बताएं, ड्रेसिंग में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? लोग लाइक जिस तरह से आप तो आपकी वीडियोस में हर तरह की ड्रेसिंग है और माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, एक से एक बढ़ के होती है, सबसे ज़्यादा आपको ख़ुद को क्या पहनना पसंद है? यार अगर आप मुझसे ये तीन साढ़े तीन चार साल पहले सवाल करती तो मेरा सोच विचार बहुत अलग होते, पर कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। एग्जैक्टली। तो आपको चेंज होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। चेंजिंग इट्स गुड, चेंजिंग में आप अपने आप को यू फील स्ट्रॉन्ग, आपको आगे लाइफ में बढ़ने की बहुत सारी जो रुकावटें हैं वो दूर होती जाती हैं, बिकॉज चैलेंजेस होते हैं ना, खुद को चेंज करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और वो चेंज क्या था, तीन चार साल पहले वाली वर्दा कैसी थी? अब तो सब देख ही रहे हैं आपकी वर्दा कैसी है, अभी कम है? नहीं, अब मेरी नोटीपन और तरीके के हैं, उस टाइम नोटी एलिगेंट और मे बी। और ड्रेसिंग क्या करना पसंद थी तीन चार साल पहले? वेस्टर्न, स्कर्ट्स, वेस्टर्न, यू नो, टॉप एंड। और अब आपको पंजाबी लुक ज्यादा पसंद है? देखते हैं ना, सब सबको पसंद है। माय मॉम, आज मैं जब तैयार हुई मेरे पापा ने आकर मुझे देखा, उन्होंने कहा माशाल्लाह, मैं गवाह हूं। तो बस ये इनकी खुशियों के लिए मेरी खुशियाँ इस तरह होती जा रही हैं। That's very nice. माँ बाप के लिए उनकी खुशी में खुशी ढूंढना ही आपको कामयाब बनाता है। और खाने में सबसे ज्यादा आप क्या पसंद करती हैं? Anything. I'm a foodie person. मुझे खाना ना मिले तो मेरे एक अंदर से एक अजीब सी औरत बाहर आ जाती है, औरत के साथ पता नहीं तीन चार मर्द भी बाहर आ जाते हैं। खाना मिलता है तो ये हाल है, देखें आप, और खाना नहीं मिलेगा तो। सॉरी, ये बोल रही है मेरी दोस्त की जेलसी, ठीक है, ये लोग हवा खाते हैं तो हम जैसे लोग कुछ भी खाएं, मस्ती में रहते हैं, फिट फाट। एक्सक्यूज मी वर्दा मलिक, आज मैं होस्ट हूँ, आप ये भूल जाती हैं। तो ये सवाल को हम छोड़ते हैं, फिर किसी और सवाल पे आते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, बुक्स पढ़ना, मूवी देखना या शॉपिंग करना? यार शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बहुत सारे ब्रांड बहुत चाहने वाले हैं। ऑनेस्टली आई डोंट रिमेम्बर कि बहुत कम चीज़ें, जैसे जॉगर्स हो गए, ग्लासेस हो गए, बैग्स हो गए, ये चीज़ें मुझे पसंद है शॉप करना, लेकिन मैं शॉपिंग में बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं करती। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको सेव करूँ, मेरे माँ बाप के या मेरे बहन भाइयों के या मेरे आस पड़ोस या मेरे दोस्तों के किसी के काम आ सके। वेरी नाइस। बचपन की कोई ऐसी शरारत जिसको सोच के आज बहुत हंसती हैं कि मैं ऐसी थी, मैंने ऐसा किया था, बहुत ज़्यादा वो होती है ना मेमोरेबल, वो कोई बताएं? मैं मलाई चोर थी बहुत बड़ी। मलाई चोर? और ये हाल है? ये हाल है क्या मतलब, लक 28 कुड़ी दा 50 वेट, 47 ही 50 वेट। वेट भी जान लिया आप लोगों ने, तो नेक्स्ट कपड़े गिफ्ट जो भी भिजवाना है वेट के हिसाब से भिजवाना है। मलाई चोर, आगे स्टोरी सुनाइए। मैं मलाई चोर थी। जब हम लोग पंजाब फैसलाबाद नाना बू के घर आते होते थे तो मुझे मलाई उनके दूध से निकाल कर खाना बहुत पसंद था, क्योंकि नाना बू मलाई खाते होते थे तो मुझे मिलती नहीं होती थी, तो उनके उठने से पहले ही मलाई पूरी साफ। सो गाइस, वर्दा को इम्प्रेस करना हो तो उसके घर मलाई भिजवाइए। नेक्स्ट। और दूसरी, आई डू रिमेम्बर मैंने फर्स्ट चोरी की थी अपनी खाला की कैसेट। चोरी? हाँ, तब पता नहीं था ना कि मांग लेते हैं, बच्चे थे यार, बस चोरी कर ली, वो भी सोनू निगम के गाने थे, तेरा मिले ना, वाह, पल दो पल का, वाह, मेरी धड़कने, सॉरी जज्बाती हो जाती है। अच्छा गाती है वैसे, सिंगिंग में जा सकती है। आप लोग कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि वर्दा को गाना गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए। अच्छा वर्दा, ये बताएं कि अगर आप हम जैसे दोस्तों को कोई सजेशन देंगी वायरल होने के तरीके बताएंगी टिकटॉक पे तो क्या? हिम्मत कभी मत हारो, अपना बेस्ट दो, क्वालिटी अच्छी रखो, अपने दोस्त अच्छे रखो और मेहनत करो, आहिस्ता आहिस्ता आपका खुद ही नाम बन जाएगा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और अगर आपको एक्टिंग और मॉडलिंग और होस्ट तीनों में से एक चांस मिले तो आप किसे चुनेंगी? यार आई गो विद होस्टिंग, बिकॉज एक होस्ट और एक कैमरा और एक चैनल ऐसी चीज़ है जो कि किसी के भी काम आ सकती है। मेरे एक के पास ये पावर होते हुए मैं कितने लोगों की मदद कर सकती हूँ ये शायद हम में और ये आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बल्कि ये शो करने का यही मकसद था कि आपको अगर ये लगता है कि हम लोग सेलिब्रिटी के इंटरव्यूज़ लेते हैं, मॉडल्स के, फेमस टिकटॉकर्स के,
तो नॉर्मल बंदे का हम इंटरव्यू नहीं लेते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी वीडियो बनाएं, TNN के इंस्टाग्राम पे जाकर वहाँ पे वो वीडियो सेंड करें। आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, आप किस फेज से गुजर रहे हैं, आपको किस चीज़ का डिप्रेशन है, आप हमसे शेयर करें। हम आएंगे आपके पास आपकी आपका मैसेज लोगों तक लेकर जाने के लिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और प्लीज़ इसको जो है वो ज़ाया मत जाने दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि यार काश हम भी फेमस होते, काश मेरे पास भी इतना नाम होता। तो ये काश छोड़ें और TNN के चैनल पे आएं और अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करें, हम जो हैं वो लोगों तक आपका मैसेज पहुंचाएं। एग्जैक्टली, इन शॉर्ट आपने अपनी लाइफ की जो ट्रेजेडी है वो शेयर करनी है, उसके बाद ये खुद TNN से टीम आपके पास आएगी, वर्दा खुद आएगी, आपका इंटरव्यू करेगी और जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Why you single? इंटरव्यू मैं कर रही हूँ ना, क्यों भूल जाती है मिस वर्दा मलिक? चल बता दे यार, कोई नहीं यार, कोई पसंद ही नहीं आया। तो simple? ये शो करने का मतलब ये है कि जो मेरे जीजा जी बनना चाहते हैं वो फलक वो अपनी लाइफ स्टोरी मत बताएं, बिल्कुल मत बताएं, मैं पहले ही भाग जाऊंगी। देखें आप आती हैं कपल, अब आपका कपल बन गया तो इंशाल्लाह हमारा भी बन जाएगा, तो अगर कोई कपल भी बनना चाह रहा है तो बिल्कुल भी TNN पे मैसेज मत करें, टैग मत करें, इनकी टीम से कांटेक्ट मत करें। कर ले यार, कर ले, कोई नहीं। नो प्लीज, बेस्ट कपल बनने के लिए आपको सिर्फ एक वीडियो बनानी है, TNN पे सेंड करनी है। तो हमारी जो पलक भट्ट होस्ट हैं, मेजबान हैं, ये आपके घर आएंगी, आपका इंटरव्यू लेंगी और शादी के लिए हाँ करेंगी, ऐसे कभी नहीं होगा। दोस्ती कभी भी एक इंटरव्यू में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये आज मेरा फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस है, इसके बाद कभी भी नहीं। जस्ट जोकिंग, ये आएगी, इसको आना पड़ेगा और इसके पास ऑप्शन नहीं है ना। एनीवेज यार, आई हैव वन क्वेश्चन। तुम्हारा जो मेन पॉलिटिशियन जो फेवरेट हो, उनकी आवाज में कोई थोड़ा सा एक्ट करके दिखाओ। मुझसे नहीं होगा, सीरियसली? अच्छा, आपका कोई फेवरेट एक्टर? मेरा फेवरेट एक्टर, यस, मेरा फेवरेट एक्टर है रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, सॉरी रणबीर सिंह, और उनकी मिसेस दीपिका पादुकोण। ओह माय गॉड, आई थिंक उसी से इम्प्रेस हो कि आपने अपने फिगर को मेंटेन रखा है। नहीं, नहीं? उसने इम्प्रेस होकर मेरी वजह से तो आप बड़ा बड़ा सोचे। हाँ, इतना बड़ा भी मत सोचें। क्यों ना सोचें, सोचेंगे तो आप अपना काम करेंगे ना जी। आपने आपसे यही सोचना है कि दीपिका इनसे इंस्पायर हुई है, ये नहीं। ओके, मैं दोस्त हूँ ना। तो दीपिका की एक्टिंग करना चाहेंगी या रणवीर की? मैं हमारे आई थिंक जैसा इसका कैरेक्टर है ना, पर्सनली बता रही हूँ, ये रणवीर की ही एक्टिंग करती अच्छी लगेगी, पागल हो जैसा एकदम। मैं एक्टिंग करूंगी, एक डायलॉग करूंगी, आपने ना बस उसको गेस करना है ये किसका है। ओके, ये भी अच्छा ऑफर है, हमारे पॉलिटिशियंस में मैं यहाँ पे आपके लिए आया हूँ, मैं ये पाकिस्तान बदल के रहूंगा। पानी दीजिएगा, इसे तो कोई भी पहचान ले लेगा। मैं नाम ले सकती हूँ, बिलावल भुट्टो। मैं ये पाकिस्तान बदल के रहूंगा, रहूंगी। वर्ड चेंज है उनके, तो उसको ठीक करते हैं, रहूंगी। सॉरी, आई लव पीपल पार्टी पार्ट ऑफ मी टू, इसने मजबूर किया था, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। आसमान को छूने की चाहतों के साथ, ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मोनोमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स।
जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रसाफ विलास, ईडन गार्डन, गुलशने जैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, साहिवाल स्टेट एंड न्यू प्रोजेक्ट इन आरिफाला, डिफेंस सिटी हाउसिंग स्कीम। The largest marketing network in real estate. Tahir Estates. Commercial Plaza Number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN Number 92304-111-0300. अच्छा वर्दा, आपने TNN ज्वाइन किया, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और बताएं कि कैसा लग रहा है TNN की टीम के साथ काम करके? मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम किया है, बहुत सारे बॉसेस को फेस किया है, लेकिन ऑनेस्टली मेरा जो पर्सनल, मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी पूरी TNN की टीम के साथ, वो बहुत हेल्पफुल है। ये काम मेरे लिए बहुत चैलेंज वाला था, एक नया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। थैंक यू सो मच मेरी पूरी टीम को, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, मुझे समझने के लिए, मुझे सिखाने के लिए। तो आई एम सो लकी एंड आई रियली होप कि हमारी जो टीम के साथ और लोग जुड़ें, इस चैनल के साथ जुड़ें, वो भी इतने लॉयल हों, हमारे साथ बाकी ही काम करना चाहें। देखें, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, दूसरा काम करके पैसे लेते हैं। हाँ, इस हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगी कि चैनल्स होते हैं कि बस जो कलीग्स हैं उनको ठीक से लेके चलते हैं, लोगों को बहुत कम चांस देते हैं, तो आपको लगता है कि TNN वाले जो आम लोग हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट है उनको मौका देंगे? देखिए, इसीलिए तो मैंने और फलक ने एक थोड़ी देर पहले ये आप लोगों को मैसेज दिया है कि आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, आप लोगों के पास मौका है, आपके पास चांस है, आप वीडियो बनाएं, हमारे TNN के इंस्टाग्राम पे सेंड करें, और हम जो उसमें से बेस्ट स्टोरी होगी वो रिकॉर्ड करेंगे आपके साथ। तो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उसका सलूशन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। यस, तो इससे ज़्यादा मौका और बड़ा क्या हो सकता है? एग्जैक्टली। कोई भी चैनल अभी तक इतनी खुली परमिशन नहीं दी किसी ने भी। वो सिर्फ वो क्लिक करते हैं जो उनको एक एक बड़े नाम, बड़ी सपोर्ट मिलती है। तो आम लोगों को ये मौका हर बार और हर चैनल पर नहीं मिलता है, सिर्फ ये मिलेगा आपको TNN पे। बेशक, कोई शक नहीं, आप बस वीडियो बनाएं, हमें सेंड करें और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वर्दा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका इंटरव्यू करके। लोगों से यही कहूंगी कि और भी आपके सवाल हों तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम एक बार फिर से वर्दा को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और होस्ट बन के अपनी हुकूमत जो है उन पर चलाएंगे और आपके सवालों के जवाब उनसे ज़रूर हासिल करेंगे। तो अब आप अपनी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, वेलकम, बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी खिल्ली उड़ाई, आपको बाद में पूछती हूँ। दूसरी बात ये, थैंक यू सो मच हमारा शो देखने के लिए, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हम लोगों से शेयर करना हो, बार बार कहूँगी, हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर हमें वीडियो बनाकर सेंड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो स्वाइप करें एंड लाइक करें, कमेंट्स करें, कुछ भी आपको करना है, देखना है, वो हमें बताएं, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मत भूलेगा हमारा शो देखने के लिए, और अगली बार हम आपके लिए बहुत सारा एंटरटेनमेंट फिर से लाने वाले हैं। दोस्त को तंग करने का मज़ा ही अलग होता है। अब बाय बाय कर सकती है? जी, मैं कहाँ थी, हाँ, जितने भी मेरे सवाल थे, जवाब थे, उसका मकसद यही है कि जीना इसी का नाम है। जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमारे साथ रहो, हमें सपोर्ट करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।